हेलो फ्रेंड्स, शाखा में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मखाने और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। उसके लिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप गुड़ और 1 कप पानी। इसका हम एक तार होने तक इसको पकाएंगे। पानी का कलर आपको ब्राउन लग रहा होगा, वो इसलिए जिस कप से मैंने गुड़ को मेजर किया था उसी में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था ताकि वो गुड़ भी घुल जाए उसके अंदर, तो वो गुड़ का कलर है। अभी मैं एक तार की चाशनी बना रही हूँ। फ्लेम हाई पर है और गुड़ पिघल रहा है। चाशनी बन रही है, गाढ़ी हो रही है। कभी मैं फ्लेम को हाई कर देती हूँ और फिर कभी मैं लो भी कर देती हूँ। एक तार की चाशनी बन गई है, मैं इसमें आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बस अब गैस करती हूँ बंद और इस पैन को इसके ऊपर दूसरी जगह रख के गैस के ऊपर एक दूसरा पैन रखती हूँ और फिर से गैस ऑन करके अभी इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून घी, देसी घी, और आग को तेज करके इसमें अब डाल रही हूँ मैं 2 कप मखाने। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। मखानों को हल्का हल्का रोस्ट करेंगे ताकि थोड़ी क्रिस्प हो जाए। मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अभी मैं गैस को करती हूँ बंद और इस इन मखानों को इसमें डालते हैं। इसी पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल के अभी इसमें डालते हैं ग्राउंडनट, ये भी रोस्ट की हुई है। गैस ऑन की हुई है, अब डाल रहे हैं 1/2 कप काजू, 1/2 कप बादाम, 2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज, 2 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स और हल्के में रोस्ट करते हैं। इसी में ही 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल देते हैं और 4 इलायची मैंने पीस के रखी थी वो भी इसी में ही डाल देते हैं। बस 2-3 मिनट में अच्छी खुशबू आ गई है। अब मैं गैस को करती हूँ बंद और इसमें डालते हैं। काफ़ी क्रिस्प हो गया है और अब मैं इसमें मिक्सी जार में डाल के इसको महीन पीसेंगे। बारीक पीस लिया है, इसमें डालती हूँ। गैस ऑन करके पैन में डालती हूँ 2 टेबलस्पून काले तिल, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। इसको 1-2 मिनट खुशबू आने तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं। खुशबू आ गई है, अब गैस बंद करती हूँ। इसको भी इसी बोल में डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे। जो ये एक तार की चाशनी बनाई थी हमने वो इसमें डाल रही हूँ।
ये अभी हमने मिक्स कर दिया है सब कुछ, और अभी इनके बनाते हैं लड्डू। जैसे भी आपने जिस साइज के भी बनाने हैं ऐसे हाथ में लेके। हमारे पौष्टिक से लड्डू तैयार हो गए हैं। आप भी इस मकर संक्रांति में बनाएं और त्यौहार धूमधाम से मनाएं। ओके, बाय बाय।